स्टूडेंट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ टेक पेज नंबर 9 इन अवर जीके बुक एक्सरसाइज सी तक कंप्लीट हो चुका था इन प्रीवियस वीडियो एंड आई आल्सो गिव ऑल द आंसर्स की टू यू नाउ फॉर पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज डी ए नेम द कंट्रीज दैट वॉन गोल्ड मेडल्स एट रियो दे जेनेरो इन दिस डिसिप्लिन्स एट द 2016 ओलंपिक्स स्पोर्ट्स का नेम है मेन से सामने लिखा हुआ वुमेंस तो हॉकी में थे अर्जेंटीना और वुमेंस थी ग्रेट ब्रिटेन फिर सेकेंड नंबर पे है फुटबॉल तो उसमें ब्राज़ील के मेंस थे और जर्मनी की वुमेंस फिर बास्केटबॉल तो यूएसए के मेंस और यूएसए के ही वुमेंस थे फिर एक्सरसाइज 2 है नेम दिस इंडियंस वो नैरोली मिस्ड विनिंग एंड ओलंपिक मेडल तो यहाँ पे फर्स्ट है 400 मीटर रो 1960 में तो वो थे मिल्खा सिंह सेकेंड है 400 मीटर हर्डल्स लॉस एंजेलेस 1984 वो थे पीटी उषा और शूटिंग लंदन 2012 तो वो थे जयदीप करमरकर इन द फोर्थ इन द लास्ट वुमन्स वॉलेट जिम्नास्टिक रियो दे जनेरो 2016 तो वो थी दीपा करमरकर ओके स्टूडेंट देन टर्न द पेज On that page, we have a picture of some ancient civilization. We recognize it, then write all the name of them. Unscribble the letters to find out the name of this civilization. ये civilizations के name दिए हुए वो unscribble है. I mean वो proper order में नहीं है तो वो हमें proper order में पुट करके वहाँ उसको सही आंसर लिखना है ओके स्टूडेंट सो फर्स्ट है प्राउड वॉरियर्स एंड द स्किल मेटल वर्कर्स दे वेर अमंग यूरोप्स ओल्डेस्ट पीपल बाय 14 BCE दे हैड स्प्रेड ऑल ओवर द ब्रिटिश आइलैंड्स स्पेन इटली एंड फ्रांसिस टुडे देयर कल्चर एंड लैंग्वेज सर्वाइव्स इन द आइलैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंग्लैंड एंड फ्रांस स्टूडेंट आपको क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको अच्छे से रीड करना है अगर आपने इसके अबाउट आपको कुछ पता है आई मीन आपने कभी पहले पढ़ लिया है उसके अबाउट तो आप आंसर लिख सकते हो वरना अभी मैं बताती हूँ फिर आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है तो फर्स्ट का आंसर है कैल CELTS फिलहाल अभी ओरली बता रही हूँ आपको फिर आपको लिखना है याद करके रिमेंबर रखे ओके सेकंड है अराउंड 5000 BCE दे सेटल्ड इन द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एंशियंट मेसोपोटामिया दे डेवलप्ड द फर्स्ट नोन सिस्टम ऑफ राइटिंग तो सेकंड में आएगा SUMERIANS सुमेरियंस ओके थर्ड है अ सिविलाइजेशन ऑफ एक्सीलेंट शिप बिल्डर्स एंड द नेविगेटर्स दे यूज्ड कनार्स तो वो क्या होती है फुल बिल्ड शिप्स होती है एज मर्चेंट शिप्स फॉर द लॉन्ग वोयाज दे वर नोन टू बी ग्रेट प्लंडर्स एंड द पिराट्स दो सम ऑफ देम एस्टेब्लिश्ड पीसफुल कॉलोनीज तो वो थर्ड वाला इनस्क्रबल जो वर्ड है अनस्क्रबल जो वर्ड है वो है विकिंग्स VIKINGS विकिंग्स ओके फिर फोर्थ नंबर पे आ जाओ द अर्लीस्ट सेटलमेंट साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन डेट बैक ऑफ 1500 इट्स फ्लोरिस्ड इन द गेट माला द ब्रिटिश Honduras and the Mexico between the 3rd and the 9th century. The people of the civilization were the
sophisticated American Indians who were skilled astronomers and the mathematicians. They built the pyramid temple with the staircases like the El Castillo in the Yucatan. तो जो फोर्थ नंबर पे अनस्क्रबल है उसका राइट आंसर है एम ए वाई ए एस मायास। इस तरह फिफ्थ और सिक्स रीड करके उसके सही आंसर आपको लिखने हैं, देन आई गिव आंसर की टू यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।